यार दोस्तों प्रिंटर्स को तो आप सभी लोग अपने यूज करते होंगे अपने होम्स या फिर ऑफिसेज वगैरह में, और दोस्तों दिन भर के काम जो है उसको प्रिंट आउट करते होंगे इस प्रिंटर से। लेकिन दोस्तों ऐसे में सवाल निकल के आता है यहाँ पर टेली प्रिंटर का, तो डेफिनेटली यार इस डोमेन के अंदर टेली प्रिंटर के बारे में भी आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। तो यार आज अब वीडियो अगर तक दिख रही है, मैं आपसे बात करूंगा इसी टेली प्रिंटर के बारे में, और दोस्तों हम जानेंगे कि आखिर ये कॉन्सेप्ट क्या है इसी टेली प्रिंटर का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम यशवंत और आप देख रहे हैं माइक्रो माइंड। चलिए शुरू करते हैं यार दोस्तों। यार दोस्तों मैं अगर आपसे अगर बात करूं ना सबसे पहले इंटरनेट की, तो बेसिकली यार जब से इंटरनेट आया तब से डेटा जो है वो बहुत ज्यादा जनरेट हो रहा है, और डेफिनेटली डेटा जब जनरेट होगा, नॉलेज जब यहाँ पर स्प्रेड आउट होगी, तो डेफिनेटली यार हमारे पास जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन जो है उस चीज के यहाँ पर बनाने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अब दोस्तों अगर मैं उससे बात करूँ यहाँ पर प्रिंटिंग के पहले की सिचुएशन की, तो बेसिकली उस टाइम पे काफी वर्स सिचुएशन थी, लेकिन जैसे आ गया हमारे पास प्रिंटर उसके बाद में जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा अच्छी हो गई, और उसके बाद में जो है हम लोग यहाँ पर इस चीज को यूज करते हुए सारे डॉक्यूमेंटेशन जो है हमारे इंपॉर्टेंट जो कि हम लोग को यहाँ पर डिस्कस करने होते हैं वो सारे हम लोग ने यहाँ पर प्रिंट आउट करके रख लिए हैं। अब दोस्तों प्रिंटर ओवरऑल तो काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, और ओवरऑल यानी हमारी काफी ज्यादा हेल्प करता है हमारे जो कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन है, हमारे जो कंप्लीट प्रेजेंटेशन है उनको प्रिजर्व करने में एक हार्ड कॉपी की फॉर्म में। लेकिन दोस्तों ऐसे में आता ना सवाल यहाँ पर निकल के इसी टेली प्रिंटर का, तो यार बहुत से लोग जो है जो कि बेसिकली यहाँ पर प्रिंटर्स को यूज तो करते हैं उनको इतनी डिटेल में नहीं पता, तो वो अक्सर यार होते हैं कंफ्यूज कि आखिर ये टेली प्रिंटर आखिर होता क्या है, और दोस्तों किस तरीके से ये यहाँ पर फंक्शन करता है। अब दोस्तों सिमिलैरिटीज अगर बात कर दो ना टाइपराइटर की और टेली प्रिंटर की, तो ऑलमोस्ट यार आपके पास यहाँ पर सिमिलैरिटीज जो है वो दोनों के अंदर देखने को मिल जाती हैं। और दोस्तों हम अगर यहाँ पर बात करते हैं टेली प्रिंटर की, तो बेसिकली यार यहाँ पर टेली का जो मतलब है वो यहाँ पर आता है टेलीफोन से, और दोस्तों प्रिंटर का सिंपली यहाँ पर प्रिंटर से। अब दोस्तों अगर हम इसे बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले नॉर्मल प्रिंटर की, तो नॉर्मल प्रिंटर में हम लोग यहाँ पर करते क्या है कि हम लोग जो है वो यहाँ पर प्रिंटिंग करते हैं, और उसके अंदर जो है वो यहाँ पर कार्ट्रिजेस लगे होते हैं जिसको हम लोग रिफिल करते हैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स से, अगर वो कलर प्रिंटर है तो, अदरवाइज अगर वो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग जो है वो यहाँ पर करते हैं तो पाउडर कॉपी जो है वो यहाँ पर बनाता है, तो उसके लिए जो है हमें यहाँ पर उसको कोई भी फिल करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों उन कार्ट्रिजेस के अंदर जो है वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर जो है वो उनके निडल्स के अंदर फिर उनके जो कंप्लीट रिफिल्स हैं उनकी जो निबल्स हैं उनमें यहाँ पर रिफिल किया जाता है, और दोस्तों उसमें से जो है वो कलर इमेंट हो गया आपकी जो कंप्लीट प्रिंटिंग है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन दोस्तों टेली प्रिंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना वो कुछ इस तरीके का है कि आपके पास यहाँ पर होता है एक टाइपराइटर जैसा प्रिंटर, और दोस्तों वो जो टाइपराइटर जैसा प्रिंटर होता है उसके अंदर होता कुछ है कि उसके अंदर जो है आपको यहाँ पर कीपैड का कंप्लीट स्लॉट देखने को मिलता है, और दोस्तों उसी स्लॉट के ऊपर कीपैड जो है एक पर्टिकुलर सीक्वेंशियल बेसिस में जो है वो यहाँ पर अलाइन किए होते हैं, और दोस्तों उन जो कीपैड से बेसिकली वो हर एक कीपैड जो है आपको बोलते हैं क्यूवर्टी के नाम से, जो क्यूवर्टी जो कीबोर्ड है बेसिकली वो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट अल्फाबेट्स के साथ में जो है वो यहाँ पर स्टैक हो रखे होते हैं उसी कीबोर्ड के ऊपर। अब दोस्तों अगर मैं उससे बात करता हूँ यहाँ पर इसी प्रिंटर की, तो बेसिकली यार इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस तरीके का है कि हम लोग जब भी यहाँ से कोई ना कोई प्रेस को या फिर कोई ना कोई कीज को जो है वो यहाँ पर प्रेस करते हैं, मान लो अगर मैं ए को प्रेस करूंगा या फिर ई को प्रेस करूंगा या फिर मान लो किसी भी की को जो है मैं यहाँ पर प्रेस करूंगा, तो ऐसे में जो की है वो की यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंपल्सिस को जो है वो जनरेट करेगा, और दोस्तों वो जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है वो यहाँ पर कंप्लीट प्रिंटिंग कंप्लीट होने के बाद में वो सारी जो प्रिंटिंग पेपर है बेसिकली वो जाएगा मैसेज यहाँ पर दूसरे रिसीवर के पास में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में, और दोस्तों ये जो कंप्लीट ट्रेवल होता है ये सिग्नल वो होता है केबल के थ्रू जो कि टेलीफोन केबल होती है। अब दोस्तों जो केबल होती है कनेक्ट होती है दूसरे रिसीवर के साथ में, और जो आपके पास सेंडर हो वो आप यहाँ पर मैसेज को टाइप करोगे अपने टाइपराइटर प्रिंटर के ऊपर, और दोस्तों वो क्या करेगा कि वो जो है वहां से रिसीव कर लेगा आपके उस प्रिंटर को जो भी आपने यहाँ पर टाइप किया है। तो बेसिकली यार कॉन्सेप्ट जो है ना वो है तो काफी कमाल का, लेकिन इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल सी इसके अंदर चीज है। और दोस्तों अगर मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पर इसकी फंक्शनलिटी की, तो इसी तरीके की आपको फंक्शनलिटी जो है वो मैं यहाँ पर आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ। अब दोस्तों अगर मैं आपसे बात करता हूँ नॉर्मल प्रिंटर की और इसकी, तो डेफिनेटली यार नॉर्मल प्रिंटर से काफी ज्यादा बेटर रहता है, लेकिन उसमें हमारे पास यहाँ पर जो कंप्लीट ड्रॉबैक है वो ये निकल के आता है कि उसके अंदर जो है हम लोग हार्ड कॉपी निकालने के बाद में उसको शेयर नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर जो है आपको यहाँ पर हार्ड कॉपी शेयर करने के बाद में आप जो है किसी के साथ में मल्टीपल लोगों के साथ में जो है वो यहाँ पर अपने जो कंप्लीट हार्ड कॉपी है उसको शेयर कर सकते हो। लेकिन आज के जो एडवांस कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर आपके पास क्लाउड की जो है बेसिकली प्रिंटिंग वो भी आपको जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जो कि मैं अपनी वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ, और दोस्तों वो जो है वो प्रिंटिंग जो है वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहती है, और क्लाउड के थ्रू भी जो है आप यहाँ पर प्रिंटिंग कर सकते हो, और डेफिनेटली सारे लोगों के साथ में जो भी आपके ऑफिसेज के एम्प्लॉयज या फिर कॉलीग्स हैं उनके साथ में जो है आप यहाँ पर उसके साथ में जो है कंप्लीट अपने प्रोजेक्ट्स हैं अपने प्रेजेंटेशन है उसको जो है वो
आप यहाँ पर शेयर कर सकते हो। तो बेसिकली आप कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो कॉन्सेप्ट ओवरऑल काफी ज्यादा कमाल के, और दोस्तों अगर हम इसको देख पा के यूज करें तो डेफिनेटली हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा भी हो सकता है। और ये काफी ज्यादा पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई अभी का कॉन्सेप्ट नहीं है। इससे पहले हमारे पास जो है वो फैक्स या फिर आपके पास जो टैबलेटर्स है उनके कॉन्सेप्ट नहीं आए थे। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट आ चुके हैं उस टाइम पे, चूंकि मैं बात करता हूँ आपसे 1943 या फिर 1950s वगैरह की, तो उस टाइम पे काफी अच्छा माना जाता था, क्योंकि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी जो थी वो इतनी एडवांस थी नहीं। एक मान लो एक पिलर जो है वो टेक्नोलॉजी का हमने यहाँ पर बनाया था, और आगे आगे देखते देखते हम लोग जो है वो आज यहाँ पर एडवांस लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो यार यही थी सारी कंप्लीट कहानी इसी टेलीप्रिंटर के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेकर आता रहता हूँ। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।